हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा फॉर क्लास एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास विद्लास लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज नाजिजम एंड द राइज ऑफ हिटलर तो चलिए जल्दी से चैप्टर की शुरुआत करते हैं कौन से टॉपिक्स आज हमें चैप्टर में शुरुआत करने वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं आपको मेरी बाकी वीडियोज भी चैनल पर मिल जाएंगी तो उनको देखना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की ये जो नाजिजम था, था ये जो राइज़र हिटलर था ये मेजरली जर्मनी के बारे में बात करेगा बिकॉज इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट रशिया एंड फ्रेंच रेस्पेक्टिवली बट आज हमें चलना है जर्मनी तो चलिए जर्मनी चलते अब समय है स्प्रिंग 1945 का एक 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमोथ आराम से अपने बिस्तर पर सोया हुआ था उसके पेरेंट्स कुछ सीरियस टोन में बात कर रहे थे वो सुन रहा था और उसके पापा जो कि एक फिजिशियन थे अपनी बा, अपनी अपनी फैमिली से वाइफ को बोल रहे थे कि हमें सारी फैमिली को मार गिराने का समय आ गया है ये बात सुनते सुनते वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान और वो ये भी सुनता है कि अब हमें सबको सुसाइड करना पड़ेगा और जो हम लोगों ने अभी तक क्रिपल्ड और जूस के साथ करा था वो एलाइज हमारे साथ करने वाला है तो आखिरकार ये एलाइज कौन थे या फिर हेलमुथ के फाउ ने क्रिपल्ड और जूस के साथ किया क्या था अब हेलमोट को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था हेलमोट अगले ही दिन में अपने के साथ करता है थोड़ी देर बाद जब वो वापस आ जाते हैं तो हेलमुट के फादर ऑफिस में अपने आप को गोली मार लेते हैं सुसाइड कर लेते हैं हेलमोत अपने फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म था वो फैमिली के फाइव में जलता हुआ देखता और बहुत ही ज्यादा वो ट्रोमेटाइज हो जाता है इतना ट्रोमेटाइज हो जाता है कि वो जो भी चीज़ें उसके घर में बनती हैं अगले नौ साल तक वो नहीं खाता है क्योंकि उसको लगा था कि उसकी मम्मी जो है उसको जहर दे के मार देंगे तो एक्चुअल में हेलमुथ को तो नहीं समझ में आ रहा था कि वो तो बहुत छोटा था ही वो जस्ट इलेवन ईयर ओल्ड वो भी 1945 फोर्टी फाइव की बात है बट हमें तो अब समझ में आ रहा है ना टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री में कि हेलमुथ के साथ क्या हुआ था बट अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वही तो हम चैप्टर में पढ़ने वाला है चलो डेफिनेटली बच्चों लोग जो हिटलर था वो बहुत ही बहुत ही एक बेकार रूलर था जो बिल्कुल भी जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी उसने ऐसा क्या करा था वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है अब एक्चुअल में जो हिटलर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करवाता है अपने देश को और वो हार जाता है ऑल दो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी पार्टिसिपेट करती है और हार जाती है इसी कारणवर्ष इतनी ज्यादा चीजें होती हैं जर्मनी में कि सब लोगों को एक बदला चाहिए होता है अगर हम बात करें शार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतराल में एक जनल वॉर हुआ था जिसमें कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स को मार गिराया था और जिसमें सिक्स मिलियन ज्यूस दो लाख जिप्सीज एक मिलियन पॉलिस सिविलियंस सत्तर हजार जोमन्स को मार गिराया था क्योंकि कुछ लोगों को उस काबिल नहीं समझा जाता था कि वो जिंदा रहें अब ऐसे में ये क्यों हो रहा था कहाँ उनको लेके जाया था ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है चलिए वो शुरू करते हैं तो वापस से अभी 1945 हेल्मुत का समय भूल जाते हैं बट वापस से आ जाता है 1914 1918 के समय जर्मनी जो कि एक पावरफुल एंपायर रहा है इन द अर्ली 20th सेंचुरी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है शुरू-शुरू में तो उसको बहुत छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलती हैं तो वो बहुत ज्यादा सोचता है कि वो सारी दुनिया पे कब्जा पा सकते हैं ऑल बट वो इवेंचुअली फेड डाउन हो जाता है जर्मनी इनिशियली फ्रांस और बेल्जियम की भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेता है हव 1917 में यूएस एंट्री कर लेता है और यहाँ पर जर्मनी की बड़ी बुरी हार होती है अब इस

वो ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि इसको ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार ठहराया जाता था क्योंकि इंपीरियलिज्म जो लोग कर रहे थे वो तो अपना हाथ खड़े करके चले गए अब किसी के हाथ में जिम्मेदारी आई तो उसको ही पिछले यू uh, नो you know, जो भी चीज़ उसने करी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इवन एक पीस टी भी वर्साइल्स में जो है साइन होती है जिसमें जर्मनी और हारे हुए देशों के बीच में होती है जो कि जर्मनी पर बड़ी हार्श और ह्यूमिलिटिंग होती है जिसके तहत उनको अपनी टेरिटरीज अपना आयरन अपनी कोल माइंस बहुत सारे देशों को देनी पड़ती है एज अ कंपनसेशन कि उन्होंने जो नुकसान करा उसकी वो भरपाई करेंगे यहाँ तक कि बच्चे लोग उनको कुछ अमाउंट जो है सिक्स बिलियन यूरोज भी जो है कंपनसेशन के तहत धीरे धीरे चुकाने थे इन देशों को क्योंकि उन्होंने बहुत भारे नुकसान करा था तो डेफिनेटली जर्मन जो लोग थे जो सिटीजन्स थे वो वेमार रिपब्लिक के इस डिसग्रेस जो वर्साइल्स में उनको ये सारी चीज़ें जबरदस्ती माननी पड़ी से दुखी थे तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को अब इवेंचुअली पड़नी है कुछ इफेक्ट्स भी देख लेते हैं वॉर के अब पूरे के पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट पर साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इफेक्ट था एक यूरोप जो है बच्चों लोग जो पैसे देता था लोगों को अब वो उधारी के जाल में फंसा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली व्यामार रिपब्लिक वॉज मेड टू पे देंस ऑफ ओल्ड एम्पायर अब पुराना जो एम्पायर था उसकी सारी भरपाई व्यमार रिपब्लिक के कंधों पर थोप दी गई थी जिसके वजह से पूरे के पूरे रिपब्लिक को अपने बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट और नेशनल ह्यूमिलियशन के साथ सारा का सारा पैसा लौटाना पड़ा तो जहां पर भी बच्चे लोग जो भी यू नो व्यामार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे जैसे कि सोशलिस्ट कैथोलिक्स डेमोक्रेट्स इनको कंजर्वेटिव लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते थे अरे तुम्हारे वजह से ही हुआ है तुमने ये करा है तुमने वो करा है तो धीरे धीरे इवेंचुअली यू विल सी कि जो पॉलिटिकल यू नो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ही डीप इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट करता है शोल्जर्स को ज़्यादा ऊपर रखने लग जाता है मीडिया uh, ट्रेंच लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई uh, करती है हाउ बहुत ही बुरी लाइफ सोल्जर्स जी रहे थे एग्रेसिव वॉर प्रोबोगेंडा चलाया जाता है कि देखो कितनी बेजती जर्मनी की हो गई अब तो कुछ करना पड़ेगा तो पीपल वर एक्चुअली नॉट हैप्पी इन जर्मनी इसी समय पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हो जाता है और पैसे की भी तंगी हो जाती है अब होता यह है वर्थ ऑफ व्यामार रिपब्लिक कंसाइडेड विद विदोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ दिस लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्स रेवोल्यूशन इन रशिया अब जब हम लोगों को यह समझ आ रहा है कि व्यमार रिपब्लिक इतने अच्छे से चीजों को नहीं संभाल पा रही है तो एक नया ग्रुप आता है निकल के जो कम्युनिज्म को बहुत ज्यादा मानने वाला था अब ये जो कम्युनिज्म को मानने वाले लोग थे सड़कों पर चारों तरफ आपको दिख जाएंगे

सारा का सारा गोल्ड रिजर्व खत्म हो रहा था और 1923 में जर्मनी ने फ्रांस को अपना जो भी कंपनसेशन था वो देना बंद कर दिया क्योंकि उनके उनके माइंस खाली हो गए पास पैसा नहीं है जिसके वजह से फ्रांस ने उसके इंडस्ट्रियल एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था इकॉनमी में वो भी ऑक्यूपाई हो गया तो इसीलिए अब पैसा नहीं है खाने को कुछ भी नहीं है सोसाइटी में तो वहां पर जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है वो अपनी जो पैसा है जिसको मार्क कहते हैं जर्मन के जो करेंसी को मार्क कहते हैं वो अपना पैसा बहुत ज्यादा छाप देती है और छापने के चक्कर में जब भी कोई चीज ज्यादा जाती है तो लोग वो उसकी वैल्यू गिर जाती है तो यहां पर जब आप यूएस के डॉलर से यहां पर जर्मन के मार्क को कंपेयर करते थे तो ट्रिलियंस में चले जाती थी और लोग अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रक भर के जो है पैसा लेके जाते थे मार्क लेके जाते थे सिर्फ ब्रेड खरीदने ठीक है तो ये सारी चीजें हो रही थी और सिचुएशन बहुत ज्यादा यहां पर हाई हो चुकी थी और इसको हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है महंगाई से भी कई गुना ऊपर इवेंचुअली जो अमेरिका यहां पर मदद करता है जर्मनी की उसको इस पूरी पर्टिकुलर चीज से निकालने के लिए और एक प्लान प्लान बनाता है है ये काम करता है तीन देशों के बीच में फ्रांस यूएस को पैसा चौका रहा है और यूएस जो है यहां पर जर्मनी को पैसा दे रहा है दिस इज हाउ दिस इंटायर प्लान वर्क उसी साल अब यूएस के मदद से जर्मनी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना बढ़ने लगता है बट अभी यूएस की ही किस्मत को नजर लग जाएगी अब यूएस में होती थी बच्चे लोग यहां पर आ, लोन जो दे रहा था यूएस जर्मनी को तो उसके पास पैसा था बट यहां पर यूएस के स्टॉक मार्केट जिसको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है वो 1929 में क्रैश हो जाती है जितने भी लोगों ने अपना यहां पर पैसा लगाया होता है अरबों खरबों सब निकाल लेते हैं जिसको कि बच्चे लोग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टार्टिंग भी कहा जाता है अब नेक्स्ट तीन साल तक यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल तहज नहस होने लगी थी अब वो अपनी इकॉनमी को संभालेगी कि जर्मनी के बारे में सोचेगी अब जर्मनी भी यहाँ पर सड़कों पर आ चुका था वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जो फोर्टी परसेंट हो रही थी वो धीरे धीरे और कम होती जा रही थी लोगों को अपनी जॉब्स गंवानी पड़ी और छः मिलियन लोग सड़कों पर जॉब के लिए ढूंढ घूमते थे और अपने गले में प्लाकार्ड लगा के घूमते थे कि वो कोई भी काम करने के लिए रेडी हैं अब इतने सारे लोग थे कि वो कुछ भी काम करने को रेडी थे बहुत बार बच्चे लोग जब उनको काम नहीं मिलता था पैसा जो है नहीं कमा पा रहे थे तो वो गुस्सा भी हो जाते थे और वो बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट भी करते थे तो इसी में बच्चे लोग सारी के सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी स्मॉल बिजनेस से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ पर सफर कर रहे थे और एक नया कंसेप्ट जो कि प्रोलिटेरियनाइजेशन होता है यानी कि पोजिशन होती है उससे लोग नीचे गिर जाएंगे एंड नो बडी विश टू हैपन दैट राइट right, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और ऑर्गेनाइज जो वर्कर्स थे वो अपना यू you नो know, बहुत ही ज़्यादा गरीबी में सारी चीज़ें गुजार रहे थे और पॉलिटिकली व्यमार रिपब्लिक काफ़ी फ्रेजाइल थी कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ इन्हेरिटेड डिफेक्ट्स थे जैसे कि वो डिक्टेटरशिप लाने के लिए प्रोबेबल थी वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी और उसी के साथ साथ आर्टिकल फोर्टी तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक डिफेक्ट था व्यमार रिपब्लिक में जो प्रेजिडेंट को पावर देता है कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकते हैं और सारी की सारी सरकार को पलट सकते हैं तो विद इन इट शॉर्ट्स लाइफ द वेब्बलिक्स ट्वेंटी डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एवरेज टू थर्टी नाइन डेज तो वेमा रिपब्लिक अपनी सरकार बनाई नहीं रही थी वहाँ पर जो प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन थी यानी कि मेजोरिटी बन ही नहीं पाती थी जिसके वजह से अब कुछ भी नहीं नजर आ रहा था अब जब कुछ भी नहीं नजर आ रहा था तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या बचेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति पावर में आएगा जो कि कुछ फेक प्रोमिस करेगा और उसका नाम था कहानी में हिटलर अब हिटलर हमारी कहानी में आएगा क्योंकि मैम सोसाइटी में इकोनॉमिक क्राइसिस है सोसाइटी में पॉलिटिकल क्राइसिस है और यह सारा बैकग्राउंड हिटलर की जो है इंपॉर्टेंस चैप्टर में बढ़ा देता है

पार्टी और इसी को ही अपनी नाजे पार्टी भी यहां पर बनाने वाले यानी कि उसने शुरुआत करी थी बहुत ही यंग एज में बट इवेंचुअली वो एक पार्टी का हेड बनता है और फिर अपनी एक पार्टी भी बना लेता है

फ्यूचर दिखाने के कगार पर था इन नाइनटीन ट्वेंटी नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन टू पॉइंट सिक्स परसेंट इन रिस्टैक दर्मन पार्लियामेंट बट इन नाइनटीन थर्टी टू इट गॉट थर्टी सेवन परसेंट वोट विच मेक्स इट अ मेजोरिटी अब हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था उसका पैशन उसके आवाज सुन के लोग थर थर कापने लगते थे उनको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होता था वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन इनजस्टिस जो भी हुआ है सब कुछ लोगों की इज्जत जो खराब हुई है एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेगा ये सारे प्रोमिस बोलता था और फॉरन जितना भी इन्फ्लुएंस है ना ये लोगों ने जितने लोगों ने हमारी टेरिटी को ऑक्युपाई करा ये सब कुछ मैं ले लूंगा अब एक नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स दिखा रहा था तो लोगों को भी लगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है वो बहुत

सब कुछ चला जाएगा और वो लोगों को इमेजिनेशन देने लगता है कि आपकी डिग्निटी और प्राइड दोबारा से वापस आने वाली है बट वो जो अपना पहला स्टेप करता है वो करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी अब थर्टी जनवरी 1993 थ्री

उसने जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस फायर लग जाती है जिसके वजह से वो सब कुछ जो भी वहाँ पर अवेलेबल था जो भी papers, जो भी पेपर्स जो एनीथिंग दैट वाज अवेलेबल सेट ऑन फायर फायर और वो एक भीबल जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं ट्वेंटी एट फेब्रवरी नाइनटीन में जारी करता है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं जैसे कि अब लोगों को स्पीच प्रेस कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जाएगा जो भी व्यमार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था वो सब बंद है उसने अपने आर्क कैनमी जो कॉम्युनिस्ट थे उनको सबसे पहले बाहर निकाला कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे अ कैंप वेर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ लॉ उनको कहीं पर भी भेजा जाता था और उनको करंट लगा के मारा भी जाता था द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट बहुत ही सीवियर था बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा गया आधी की आधी जनसंख्या रातों रात जो है खाली करी गई और थर्ड मार्च 1993 में इसने इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया जो कि आपको एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है इस एक्ट के तहत हिटलर ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप लगा दी इट गेव हिटलर ऑल द पावर टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डेकरे ऑल पॉलिटिकल पार्टी ट्रेड यूनियंस सब कुछ बैन हो गया बस नाजी पार्टी रहेगी और उसको मानने वाले लोगों के जो एफिलियशन है वो चलेंगे हिटलर की पूरी की पूरी, पूरी कंट्रोल होगा इकोनॉमी मीडिया आर्मी जुडिशरी पर सब कुछ वही इवन स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्स भी बनाई गई जो कि नाजी जर्मनी को सोसाइटी को बनाएगा ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पुलिस जो होती थी ग्रीन यूनिफॉर्म में जो होती थी उसके अलावा भी स्ट्रॉम ट्रूपर्स गेस्ट एपो जो की सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी सीक्रेटली काम करती थी प्रोटेक्शन स्क्वाड क्रिमिनल पुलिस सिक्योरिटी सर्विस अलग अलग पुलिस फोर्स यहाँ पर लेके आई जाती है जो की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यहाँ पर जिनको मिलेगी और वो किसी को किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते थे कहीं पर भी भेज सकते थे गैस चैंबर्स में भेजना हो मौत के घाट उतारना हो कंसेंट्रेशन कैम्प में भेजना हो ये सारे लोग सिर्फ शक के बना पर जो भी हिटलर के खिलाफ बोलता था सीक्रेटली कोई सुन लेता था चाय के नुक्कड़ हुए दो लोग बात करें कह रहे ये तो बड़ा बेकार हिटलर आ गया ये तो हमने तो सोचा नहीं था इससे अच्छा था बीमार रिपब्लिक की थी उन दोनों को भेज दिया जाता था या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल अब हिटलर का नेक्स्ट स्टेप था इकोनॉमी को सही करना जो कि उसने प्रॉमिस करा था हिटलर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक रिकवरी को देता देता है एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हेल्जमार शै वो एम्ड डैट फुल प्रोडक्शन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इनके जब अंतराल जी इनका जो पूरा का पूरा, पूरा प्रोडक्शन हो रहा था बहुत अच्छी जर्मनी ने इकोनॉमिक टर्म्स पर ग्रोथ करी बहुत सारे सुपर हाईवे बनाए गए और एक बहुत ही फेमस वॉल्स कार जो आज भी इंडिया में मिलती है वो इन्वेंट जर्मनी में करी गई अपने फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए छोटी छोटी सक्सेस हिटलर को मिलने लगती है वो लीग ऑफ नेशंस नाइनटीन से बाहर हो जाता है रेहाइनलैंड को वापस जो है ले लेता है ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर लेता है और एक बहुत ही फेमस स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर भी लगाने लगता है फिर धीरे धीरे वो वेस्ट रेस्ट जर्मनी स्पीकिंग स्टूडेंटलैंड एंड चेकोश्लोवा गोबल्ड द एंटायर कंट्री दोनों कंट्री को जर्मनी का हिस्सा बना लेता है ऑल ऑफ दिस ही हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड द वर्साइल ट्रीटी वॉज वेरी हार्श तो इंग्लैंड उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वहां के लोगों को लग रहा था कि जो हिटलर के साथ वर्साइल्स में हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ बट अब इंग्लैंड को पता चलेगा कि उसने किसको सपोर्ट करा दीज क्विक सक्सेस एट होम अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टनी ऑफ कंट्री बट हिटलर डिड नॉट स्टॉप है शायद ने उसको बहुत ज्यादा वार्निंग दी कि आप ये सब मत

स्टार्टिंग हो जाता है जहां पर फ्रांस और इंग्लैंड भी अब अपनी तरफ से यहां पर अटैक करना जर्मनी पर शुरू कर देता है सितंबर 1940 में एक थ्री पार्टाइट पैक्ट साइन होता है बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान जो कि अब एक जो है पार्ट के हिस मतलब बनने वाले हैं और जिसके वजह से हिटलर की इंटरनेशनल पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है बाकी जो पपेट रिजाइम थी सपोर्ट ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरप बाय द एंड ऑफ नाइन हिटलर वॉज दिल ऑफ इज पावर फोर्टीज तक हिटलर बिल्कुल अपनी हाइएस्ट स्टेज ऑफ पावर पर था हिटलर अब अपनी जो भी लॉन्ग टर्म इसके एम थे कॉन् जो ईस्टर्न यूरोप को पूरा कैप्चर करना चाहता था फूड सप्लाईज लिविंग जर्मन की सबको सही करना चाहता था अब इसने एक सबसे बड़ी गलती करी कि इसने आज का जो रशिया है जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है उस पर अटैक कर दिया अब ये हिटलर का हिस्टोरिकल ब्लंडर था अब जर्मनी यहां पर वेस्टर्न फ्रंट में ब्रिटिशर्स से दुश्मनी मोल लेता और ईस्टर्न फ्रंट में पावरफुल सोवियत आर्मी से अब सोवियत रेड आर्मी ह्यूमिलेटिंग डिफीट कर देती है जर्मनी के एट स्टेलिन गोवियत आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर द रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन स्टैब्लिशिंग सोवियत हेजमिनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरा हाफ ऑफ द सेंचुरी आफ्टरवर्ड्स अब पूरा का पूरा बर्लिन तक छोड़ के आती है सोवियत आर्मी हिटलर के जवानों को बेजती पीक पर मीन वायल यूएसए अब बोल रहा था कि मैं पहले कर चुका हूं ऑलरेडी चीजें मैं अब दूसरे में नहीं पार्टिसिपेट करने वाला हूं बट हुआ कुछ ऐसा क्योंकि जापान ने क्या करा अपनी पावर एक्सपैंड करना चाहता था ईस्ट में इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वीज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस इन दसिफिक एक्सपेंशन करने के लिए यूएस पर अटैक कर दिया अब जब यूएस पर अटैक करा तो यहूएस को जबरदस्ती आना पड़ा और वॉर ऐसा हुआ कि हिटलर की हार तो हुई हुई जापान में भी दो एटम बम गिराए गए एक नागासाकी में और एक हिरोशिमा में यहाँ पर अब आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि यहाँ से कहानी शुरू हुई थी और यहाँ तक पहुँची बट उसके अलावा भी हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चैप्टर में अभी कवर करनी है एंड दैट इज़ द नाजी वर्ल्ड व्यू अब ये जो सारी चीज़ें हुई थी उसके बीच में भी एक कहानी है ये सारे क्राइम्स जो हुए थे Uh, जो जो ये इतने सारे लोगों को मारा गया था सिक्स मिलियन एंड वन मिलियन पॉलिश लोगों को मारा गया सत्तर हजार जर्मन को मारा गया तो हिटलर क्या कहता था कि मेरा जो बिलीफ है और सेट ऑफ प्रैक्टिस बिल्कुल अलग है अकॉर्डिंग टू दिस देर वॉज नो इक्वेलिटी बिटवीन पीपल किसी के भी बीच में कोई एकता नहीं है कोई इक्वल uh, नहीं है सब लोग एक रेशियल हायर में आने चाहिए वो कहता था कि जिन लोगों की नीली आंखें होती हैं या जो लोग ब्लॉन्ड होते हैं जिनके बाल थोड़े से वाइटिश ब्लीच्ड होते हैं नॉर्डिक जर्मन आरेंस जो हैं वो टॉप पर हैं बाकी सब लोग उनके नीचे हैं और उनके एक्सटर्नल फीचर को देख के हमें उन लोगों की सारी की सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी और हिटलर यहाँ तक कि जो थिंकर चार्ल्स डाविन और हार्बर्ट स्पेंसर उनकी बात भी घुमा के लोगों को बताते हैं

मेटीरियल सोर्सेस बढ़ाएंगे तभी तो जर्मन नेशन पावरफुल हो पाएगा और हिटलर इंटेंटेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्स टू कंसेंट्रेट ऑल जर्मन ज्योग्राफिकल इन वन प्लेस पोलैंड में उसका एक लेबोरेटरी इस एक्सपेरिमेंट को बनाया भी जाता है जिसने पहले वहां पर अटैक करा था अब इसने रेशियल्स अपने यहां पर स्टेब्लिशमेंट कैसे करता है जैसे हिटलर पावर में आता है नाजी क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट द ड्रीम ऑफ ए क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जोमन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग अनडिज़ायरेबल अब ये क्या करेगा यहाँ पर जो भी लोग इसके हिसाब से प्योर हेल्दी होंगे नॉडिक आरेंस होंगे उनको ये डिजायरेबल बोलेगा बल्कि और बाकी जिनकी नीली आंखें नहीं है उनको बोल देगा ये अनडिजायरेबल इनको बाहर निकालो उसी के साथ साथ कि इन लोगों को इम्प्योर एबनॉर्मल इनसे बदबू आती है ये सारी चीजें बोले जाएंगी यूथनेशिया प्रोग्राम भी चलाया जाएगा अब आपको याद आ रहा होगा कि हेलमुथ के फादर नाजी जर्मनी का बहुत ज्यादा यहां पर कंसिड्रेट करते हो बहुत लोगों को मेंटली और फिजिकली अनफिट करके बहुत लोगों को मारा भी जाता है एंड दैट इज हाउ उसके फादर डरेवे थे ज्यूज और नॉट ओनली कम्युनिटी क्लास अब ज्यूज ही सिर्फ ऐसे नहीं थे बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे कि जिप्सीज ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी जिनको कि रेशियल इन्फीरियर कहा जाता था इनको प्रोजिक्यूट कर दिया जाता था रशिया इंसानियत ही जरूरी नहीं है so, सोचो ऐसी बोल, बातें बोलता था हिटलर अपने लोगों को अब जर्मनी जब ऑक्यूपाई करेगी पोलैंड को एंड पार्ट्स ऑफ रशिया कैप्चर्स वोर्स टू वर्क ए स्लेव लेबर थोड़े बहुत लोगों को स्लेवरी भी कराई जाती थी और सिंपली बहुत लोग तो भुखमरी और हार्डवर्क इतना कराता था हिटलर कि वो मरी जाते थे ही हुआ हैिटलर बहुत ही ज्यादा हेट करता था क्यूंकि क्रिश्चियन हॉस्टैलिटी टूवर्ड्स जूज बीन स्टीरो मिटरियल टाइम जूस बैड फ्रॉम ओनिंग लैंड दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग दे लिव इन सेपरेट मार्केट called ghettos they were often persecuted through periodic uh, organized violence explosion from the land hitler's hatred of jews was based on uh, pseudo scientific uh, theories of race which held that conversion was no solution to jews

इतना ज्यादा के साथ करा कि उनको बहुत लोगों को तो अपना देश छोड़ के जाना पड़ा और नेक्स्ट में वो उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजता था और गैस चैम्बर्स में उनका दम घोट के उनको मार दिया जाता था उसी के साथ साथ एक रेशियल यूटोपिया भी यहां पर यूटोपिया इज मोर लाइक एक, एक इमेजिनरी दुनिया जहां पर इतना ज्यादा मर्डर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेगा जेनोसाइड निकालेगा occupied poland was divided up much of the northwestern poland was annexed to germany poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic germans brought in from occupied europe पोल्स को बचे लोग एक कैटल के, के तरह लेके जाया जाता था एक जगह पर जिसको जनरल गवर्नमेंट कहते थे जो नाम से आपको लग रहा होगा कि जनरल सी तो बात है बट डेफिनेटली नॉट वहां पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था पॉलिश इंटेलिजेंसिया के जो लोग थे उनको भी मतलब जो थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस की खबर देते थे उनको तो बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में मर्डर करा गया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले पॉलिश चिल्ड्रन जो कि आयरन्स के तरह दिखते थे उनको उनकी माँ से छीन लिया जाता था और उनको रेस एक्सपोर्ट्स जो कि हिटलर हेलमुद के फादर थे उनके पास भेजा जाता था कि क्या ये बच्चा एक हट्टा कट्टा नॉर्डिक जर्मन आर बन पाएगा अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाते थे तो जर्मन फैमिली उनको रख लेते थे और नहीं तो उनको पहले ऑर्फनेज में भेजा जाता था और दूसरी बारे में उनको मार दिया जाता था छोटे बच्चों को विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज इन कैश चैमर द जर्नल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज तो इस तरीके से बच्चों लोग यहाँ पर मार दिया जाता था अब बात करते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी अब यूथ क्या होता है फाउंडेशन होता है किसी भी कंट्री का अगर यहाँ पर इन लोगों को ट्रेनिंग देता था हिटलर तो आप सोच सकते हो क्या ही आउटकम रहा होगा हिटलर वो फैनेटिकली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था यहाँ पर यूथ ऑफ द कंट्री और उसको लगा कि अगर मैं बच्चों को सिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो अपने नाजम को अप्लाई कर सकता था तो वो स्कूल को सबसे पहले क्लीन करता है प्योरिफाइड बच्चों के लिए स्कूल यहाँ पर रखता है टीचर जो कि ज्यूस से या फिर पॉलिटिकली अनिलाल तो उनको निकाल देता है चिल्ड्रन फर्स्ट एग्रीगेटेड पहले तो उनको अलग करा जाता है अब वो खेल भी नहीं पाते हैं साथ में उनको फिजिकली जो हैंडीकॉप्ट होता है उनको स्कूल से निकाल के फाइनली नाइनटीन में उनको वो गैस चैम्बर में मार देता है गुड जर्मन जो बच्चे होते हैं उनको नाजी स्कूलिंग अलग दी जाती है आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल टेक्स्ट बुक री रिटर्न कर दी जाती है रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस हो जाती है कि आपको किसी को कैसा दिख रहा है उसके हिसाब से उसको जज करना चाहिए बहुत सारे स्टोरटाइज मैथ्स क्लासेस में भी सिखाए जाते थे चिल्ड्रंस को जो बच्चे होते थे उनको लॉयल सबमेसिव और जीव को हेट करना और हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था बहुत सारे बच्चों को वायलेंस एग्रेशन और इवन जो है उनको पत्थर दिल का आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलिन होना चाहिए ये सारी चीजें सिखाई जाती थी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी बनाई गई जो कि जर्मन को एजुकेट करती थी इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म जो 10 साल के बच्चे होते थे उनको जंक वॉर्क ज्वाइन करना पड़ता था जब वो 14 इयर्स के हो जाते थे चार साल की ट्रेनिंग के बाद वो हिटलर का जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था हिटलर यूथ वो ज्वाइन करना पड़ता था जहाँ पर उनको वॉर वायलेंस डेमोक्रेसी की कोई इज्जत नहीं जी उसको हेट करना है जिप्सी जो भी अनडिजायरेबल है उनको हेट करना है सबको सिखाया जाता था उसके बाद उनको लेबर सर्विस में भेज दिया जाता था यूजुअली जो 18 ईयर्स के बच्चों के साथ होता था देन दे हैड सर्व इन द आर्म फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन द यूथ लीग ऑफ नाजी वाज फाउंडेड इन 1992 फोर इयर्स लेटर ही यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल ऑल यूथ ऑर्गेनाइजेशन वॉज सिस्टमैटिकली डिजोल्व एंड फाइनली बैंड तो ये सारी चीजें होती थी अब जो बच्चों को सिखाया जाता था वो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है बट माँ जो होती थी यानी कि जो मदरहुड होता था उसमें भी नाजी को सिखाता था अब देखो चिल्ड्रन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया बट वुमेन भी बहुत डिफरेंट थी जो मेन के साथ ट्रीटमेंट होता था द फाइट फॉर इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वेमन हैड बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवे लड़कों को सिखाया जाता था एग्रेसिव मस्कलीन और आ, स्टील का दिल होना चाहिए लड़कियों को सिखाया जाता था कि वो चिमा बने प्योर

पनिश करा जाता था और जो अच्छे बच्चे पैदा करते थे उनको अवार्ड दिया जाता था हॉस्पिटल्स में अलग ट्रीटमेंट उनको शॉपिंग में अलग कंसेंसेशन थिएटर टिकट्स रेलवे वगैरह में उनसे नहीं लिया जाता था ऑनर क्रॉसेस भी दिए जाते थे एक ब्रॉन्स क्रॉस जो है लगा के घूमती थी जो चार बच्चे पैदा करती थी सिल्वर फॉर सिक्स एंड गोल्ड फॉर एट इन लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट होता था आयर एंड वुमेन अगर मान लीजिए बच्चे लोग जो भी कोड ऑफ कंडक्ट उसको नहीं मानते तो उनको सिवियली पनिश करा जाता था और वो अगर जूस पोल्स रशिया के लोगों के रशियंस के साथ कोई ज़रा सा भी कांटेक्ट बनाती थी तो उनके गले में एक प्लकार्ड लगा के उनका मुंह काला करके घुमाया जाता था जिसमें लिखा होता था आई हैव द ऑनर ऑफ द नेशन

कि आप लोगों को डिस करा जाएगा आपके अंदर कोई बीमारी और वहां पर उनको मार दिया जाता था मीडिया केयरफुली यहां पर जो है सारी चीजें कर रही थी नाजी के जो आइडिया थे वो बहुत ही कैची स्लोगन्स लीफलेट्स पोस्टर रेडियो फिल्म इमेज में दिखाए जाते थे पोस्टर्स में जर्मन को यू नो एज अ ज्यूज जो थे उनको आ, दुश्मन दिखाया जाता था मॉक उनकी अब्यूज बहुत ज्यादा होता था एविल है उनसे बदबू आती है वीक है ये सारी बातें यहाँ पर बताया जाता था द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द एटर्नल ज्यू ऑर्थोडॉक्स ज्यूज एज स्टेरपटाइप एंड They were shown by flowing beards wearing kaftan, where in reality it difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were highly assimilated community. बल्कि मूवीज में उल्टा बुलटा दिखाया जाता था कि उनके अंदर से स्मेल आती है उनके अंदर से चूहे जैसे स्मेल आती है बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था यू नो इवन रेफर टू रैट एंड पेस्ट द बेस्टमेंट वर कम्पेयर टू दोज ऑफ लोगों के दिमाग के साथ खेलता और सब लोगों को यहाँ पर अनडिजायरेबल घोषित कर देता है द नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन और धीरे धीरे बजे लोग वो बोलता है कि यही एक सोल्यूशन था जिससे सारी चीजें ठीक हो सकती थी लास्ट जो हमारा बजे लोग यहाँ पर सेक्शन ऑफ द टॉपिक है वो है कि

हाई बट उनको बच्चे लोग एट द एंड ऑफ द डे मर जाना पड़ता था तो वो लोग सिर्फ ऑन लुकर्स और विटनेसेस ही थे जो कि चुपचाप बैठ के सारी चीज़ें सह रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी भी इस तरीके से मौत ही हो जाएगी तो वो साइलेंस में सारी चीज़ें सुन रहे थे बट धीरे धीरे बच्चे लोग लोगों का इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका था कि उनको लगता था कि हाँ उनके जो अपेयरेंस है उसमें बहुत कुछ कमी है यू नो उनकी जो उनके जो बाल हैं वो खराब हैं उनकी आँखें बहुत ही खराब उनके बॉडी मूवमेंट्स ख़राब हैं तो लोगों ने रियालिटी भी एक्सेप्ट कर ली थी और बहुत जूस तो पहले ही बहुत ज़्यादा यू नो अपने आप में ही मर चुके थे बिफोर एक्चुअली गोइंग टू गैस वो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली अब्यूज हो चुके थे उसी के साथ साथ अब आपके पास जो लास्ट थोड़ा सा सब टॉपिक है दैट इज नॉलेज द जो परले आई थी इसके बारे में मैं कैसे पता चलता है अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हिटलर ने जला दी थी और अपने आप को मतलब गोली मारने से पहले उसने सब चीजों में आग लगा दी थी बट फिर भी जो ज्यूज लोगों ने समय पर कुछ अपने जर्नल्स डायरीज लिखी थी जिसमें से एनी फ्रैंक की डायरी एक बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि इस नाजी किलिंग ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं लोग इसको एक परल के तहत याद करना चाहते हैं जिन जिन भी लोगों ने विटनेस कराई ताकि दोबारा कभी ना हो और जो भी चीज़ें हुई वो हिस्ट्री में कभी रिपीट ना हो इस चीज़ के लिए ये डायरीज़ को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है और एक ट्रिब्यूट है उन लोगों ने जिसने इनको सहा और ये एक एम्बेरसिंग मोमेंट है जिन लोगों ने उसको आ, उसके साथ कोलैबोरेट करके उसका साथ दिया और ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ साइलेंटली देखा सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे आई होप यू अंडरस्टूड एवरी वेरी क्रिस्टल क्लियरली सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर थैंक यू सो मच इवन सेंडिंग ऑल अ लॉट्स ऑफ लव बाय टेक केयर